तो इस समय ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है। चार टेस्ट मैचेस की सीरीज में से तीन मैचेस ओवर और श्रृंखला इस समय 2-1 से भारतीय टीम जरूर लीड कर रही है। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को लेकर हमने आपको एक समीकरण बताया कि भारतीय टीम किस तरीके से फाइनल्स में जा सकती है और पूरे चांसेस हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगी। और इसी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रही है कि भारतीय टीम के प्लेयर्स के लिए अब रेस्ट लेने का समय नहीं है, क्योंकि 28 मई को आपका आईपीएल का फाइनल मैच होगा और माना जा रहा है कि 1 जून से टीम इंडिया जो है वो कैंप करेगी आपके लंदन में, यानी कि इंग्लैंड में। और इसके लिए ईसीबी से बातचीत करनी शुरू कर दी है बीसीसीआई ने, जो सोर्सेस से इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि जो 7 तारीख से आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, उससे पहले भारतीय टीम का 4 दिन का कैंप होगा। उसके बाद भारतीय टीम जो है वो ओवल के मैदान पर उतरेगी और उसके बाद वहां पर प्रिपरेशन करेगी। यानी कि टीम इंडिया डब्ल्यूटीसी के फाइनल में अभी पहुंची नहीं है, लेकिन 99% कंफर्म है कि भारतीय टीम पहुंचेगी। और कहा जा रहा है कि टीम इंडिया की प्रिपरेशन को लेकर के बीसीसीआई बहुत सीरियस है और 28 तारीख को आईपीएल का फाइनल होगा, लेकिन 1 तारीख से टीम इंडिया का जो कैंप है वो लगेगा इंग्लैंड में, लंदन में। और यह बताने के लिए काफी है कि शायद अगर 28 तारीख को कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि टेस्ट मैचेस में हिस्सा ले रहे होंगे और वो आईपीएल के फाइनल में भी खेलेंगे, तो उनके लिए बिल्कुल भी रेस्ट लेने का मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे प्लेयर्स भी ऐसे हैं जिनको कि रेस्ट लेने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार आप आईपीएल खेलेंगे और उसके बाद सीधे आपको फ्लाई करना है लंदन के लिए और वहां पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी से के लिए आपको कैंप करना है। तो अच्छी खबर है टीम इंडिया के प्रोस्पेक्ट से अगर देखें तो कोई रेस्ट टाइम नहीं है, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। पहले तो हमें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्वालिफाई करना है, जो कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अगले मैच में जीत दर्ज कर लेते हैं तो डायरेक्ट क्वालिफाई कर लेंगे। अगर जीत नहीं मिलती है तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के बीच में जो टेस्ट मैच होगा उसके रिजल्ट पर डिपेंड करेगा। अगर वो टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया या श्रीलंका की टीम हार गई तो फिर भारतीय टीम सीधे क्वालिफाई कर जाएगी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल्स में पहुंच जाएगी। लेकिन क्यों ही श्रीलंका पर हम अपने रिजल्ट को डिपेंडेंट रखें? हम अगर अहमदाबाद में जीत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में तो डायरेक्ट हम क्वालिफाई कर जाएंगे। एंड क्वालिफाई करते ही मैंने आपको जैसे बताया कि आईपीएल के जस्ट बाद भारतीय टीम जो है वो रवाना हो जाएगी लंदन के लिए, वहां पर कैंप लगेगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले, एंड होपफुली टीम इंडिया इस बार कुछ बेहतर करेगी। लेकिन आपको कैसी लगी स्टोरी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।